बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सानिया गुल और आप देख रहे हैं 51 डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुर्लुश उस्मान की आने वाली नई किस्त नंबर 73 के दूसरे ट्रेलर के मुतालिक इंतहाई अहम मालूमात देने वाले हैं। नाज़रीन कराम, किस्त नंबर 73 का दूसरा ट्रेलर काफ़ी शानदार और जानदार है। किस्त नंबर 73 के ट्रेलर ने भी आवाम में खूब पज़ीराई हासिल की है और इसमें जो उस्मान भाई ने आखिर में जो अल्फाज अदा कर दिए हैं, जैसा कि उस्मान साहब ने कहा कि एनागोल किले को फतह करना है, इसी वजह से मदा अगली किस्त का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। अगली किस्त में एनागोल किला फतह होने वाला है, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त में भी बड़ी जंग के बारे में बातें सुनने को मिली हैं। जैसे कि कंदोज साहब जो कि उस्मान साहब के बड़े भाई हैं और फौज के सिपा सलार भी हैं, लोहार से बड़ी जंग के मुतालिक और हथियारों के बारे में बात कर रहे थे कि बड़ी जंग के हथियार तैयार हैं, जिस पर लोहार ने कहा था कि हथियार तो काफ़ी तैयार हैं लेकिन किसी बड़ी जंग के लिए शायद कम हो। तो कंदोज साहब का कहना था कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हथियार तैयार करने हैं, हमें बड़ी जंग की तैयारी करनी है। तो बड़ी जंग से मुराद दोस्तों एनागोल का किला फतह करना ही है। दूसरी तरफ पहले तो जीरकोताई और आयगल खातून की मोहब्बत का किस्सा चल रहा था, लेकिन अब तुर्गुत का और मारी के दरमियान भी कुछ सिलसिला मोहब्बत शुरू होने जा रहा है। वाज़ह आसार मौजूद हैं कि निकोला अब इस सीज़न से आउट होने वाला है, यानी कि मारा जाएगा और मारी और तुर्गुत साहब अज़दवाजी बंधन में बन जाएंगे। अब बात कुछ गद्दारी की जाए तो बहादुर ने जैसे कि गोकचे को मार कर इल्ज़ाम बाज़ंतीनियों पर डाल दिया है और ख़ुद को बेकसूर साबित कर दिया है। उम्मीद है वहाँ मौजूद दो खातिन ने बहादुर को कत्ल करते देख लिया होगा और वो खबर आयगल तक पहुँचाएंगी और इस तरह से बहादुर पकड़ा जाएगा और बहादुर के ज़रिए ही किलेदारों के लिए कोई बड़ा जाल बिछाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करके घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।